हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास फाइव का साइंस में आज हम लोग रिवीजन करेंगे लेसन नंबर फाइव। तो लेसन नंबर फाइव में हम लोग को पढ़ना है हार्ट बीट के बारे में। द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल प्रोड्यूसेस ए साउंड और बीट। हम लोग देखते हैं कि हमारा हार्ट जो हृदय जो है एक मसल पार्ट है इंटरनल, जो कि हमेशा जो है हार्ट बीट होता रहता है, आवाज़ उसकी आती रहती है, उसी धड़कन को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। द हार्ट ऑफ ए हेल्दी पर्सन बीट्स बिटवीन 60 to 80 टाइम्स इन ए मिनट। आप सभी जानते हैं कि हार्ट जो है हृदय स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है 60 से 80 तक के बीच एक मिनट में वो धड़कता है। दिस साउंड कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्टेथोस्कोप। और हार्ट की जो आवाज़ है उसको आवाज़ को हम लोग स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं। द पम्पिंग ऑफ ब्लड बाई द हार्ट कॉजेज ए राइथमिक। एक ब्लड का पम्पिंग करता है हार्ट, जिसके कारण राइथम वे भी मोमेंट ऑफ ब्लड इन आवर आर्टरीज एंड वेन्स नॉन एज पल्सेज। ये हार्ट का काम है ब्लड को पम्पिंग करना, सभी अंगों को आर्टरीज और वेन के द्वारा, नाड़ियों को द्वारा भेजना। द पल्सेज रेट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो। ये नाड़ी जो हम लोग के अंदर वेन होते हैं, नाड़ी जिसको कहते हैं, ये हमें बताता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है फास्ट है या स्लो है। इसको अपने कलाइयों के ऊपर दोनों उंगली को रख करके पता चलाया जा सकता है। एक नॉर्वे सिस्टम, द नॉर्वे सिस्टम इज आल्सो नॉन एज द मास्टर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। द नॉर्वे सिस्टम इज आल्सो नॉन एज द मास्टर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नॉर्वे सिस्टम एक को जाना जाता है मास्टर सिस्टम, हमारे बॉडी का एक मास्टर सिस्टम। इट इज कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। क्यों? कि हमारे बॉडी का पूरा कार्य जो है कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। इसके अंदर 3 मेन अंग होते हैं, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स। एक ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि नर्व्स का नेटवर्क का काम करता है। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी। ब्रेन जो है हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल करने का केंद्र है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द हार्ट बोनी स्कल। इसकी सुरक्षा जो है, जो ऊपर के हम लोग बोन के देखते हैं तो हार्ड बोन होती है, जिसको कि इंटरनल सुरक्षा करता है, जिसको स्कल या इसको खोपड़ी कहते हैं। इट सेंड एज ए रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। और ये जो है हमारे मैसेज को भेजता है और प्राप्त करता है अनेक अंगों से, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स एज फॉलो। ब्रेन का 3 जो मेन पार्ट्स हैं उसको आप फॉलो करेंगे, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ब्रेन, स्टेम। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सेरेब्रम जो है सबसे बड़ा ब्रेन का भाग होता है, मुख्य भाग है। मेनिंग ग्रोव्स एंड फोल्ड्स, बहुत से उसमें मुड़े हुए भाग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं।
इट परफॉर्म मेनी इम्पोर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। इनका काम जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, इट कंट्रोल्स ऑल सेंस ऑर्गन्स, इट हेल्प अस टू लर्न एंड थिंक, इट कंट्रोल्स मेमोरी एंड रीजनिंग। तो हमारे ब्रेन का यही सब कार्य होता है। सेरेब्रम, सेरेबेलम इज एन एग। सेरेबेलम जो है एक प्रकार का एक की तरह उसकी बनावट है, लाइंग बिलो द सेरेब्रम, जो कि सेरेब्रम के नीचे रहता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल। इसकी जिम्मेवारी बनती है हमारे कंट्रोल करने का, हमारे गतियों की कंट्रोल करने का वॉलंटरी मसल के लिए। इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं मेडुला, लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इज आल्सो नॉन एज ब्रेन स्टेम। और मेडुला को जो कि ब्रेन एक आधार होता है, इसको हम लोग ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ब्रेन स्टीम से ही गुजरता हुआ, लिंकिंग विद द ब्रेन, जो कि इसके पहले से कनेक्ट रहता है। इट कंट्रोल फंक्शन ऑफ इनवॉलंटरी मसल लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन। और ये जो है हमारे डाइजेशन का एक्टिविटी, ब्रीथिंग एक्टिविटी, डाइजेशन की क्रिया, इन सबको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। द स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग एंड थिक बंडल ऑफ नर्वस प्रोटेक्टेड बाई द वर्टेब्रा। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है एक मोटे बंडल होते हैं, बंडल की तरह, जिसको कि वर्टेब्रा का वो सुरक्षा करता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन एट द मेडुला, और ये ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है मेडुला की जगह पर। मैसेज ट्रेवल थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मैसेज को देता है। दे आर सेंड टू, वो भेजते हैं, एंड फ्रॉम द ब्रेन, दिमाग से द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और बाकी सब बॉडी को भेजता है। टाइप्स ऑफ नर्वस, सेंसरी नर्वस, मोटर नर्वस, मिक्स्ड नर्वस। तो सेंसोरी नर्वस में ये होता है कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू बी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे मैसेज को लाता है और ब्रेन को ये ऑर्गन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करता है। कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बाकी बॉडी को ये ऑर्डर करता है, आदेश देता है। मिक्स्ड नर्वस जो होता है कैरी बोथ मैसेज एंड ऑर्डर, वो मैसेज भी देता है और एडवाइस भी देता है फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन, समटाइम्स आवर बॉडी नीड्स टू एक्ट क्विकली फॉर इट्स सेफ्टी। कभी कभी हमारा शरीर को बहुत तेज़ी से सुरक्षा के लिए ज़रूरत पड़ती है। इफ वी एक्सीडेंटली टच ए हॉट पैन, यदि अचानक कभी गर्म कढ़ाई है उसको हम लोग छूते हैं, वी पुल बैक आवर हैंड एट वंस टू अवॉइड गेटिंग बर्न, तो हम लोग जलने से बचने के लिए उसको तुरंत अपने हाथों को खींच लेते हैं। इन सच केसेस, तो इस तरह के केसेस जो होते हैं, देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर ए मैसेज टू रीच द ब्रेन, तो उस समय ब्रेन की आवश्यकता उस समय नहीं होती है। एज सुन एज द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव द मैसेज, ज्यों ही स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को रिसीव करता है, इट सेंड द ऑर्डर डायरेक्टली टू द बॉडी, तो तुरंत डायरेक्ट बॉडी को डायरेक्टली मैसेज कर ऑर्डर करता है। वी पुल आवर हैंड बैग बिफोर इवन, और हम लोग अपने हाथों को तुरंत खींच लेते हैं और उस घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं। दीज
ऑटोमेटिक एंड क्विक एक्शन आर ऑल कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे जो अचानक घटनाएं होती हैं उससे हम लोग बचने का जो एक्टिविटी करते हैं ये कंट्रोल जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको कि रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। दिस एक्शन आर द शॉर्ट कट फॉर सेविंग टाइम एंड प्रिवेंटिंग इंजुरीज। तो ये जो एक्शन है शॉर्टकट है, जैसे कि हम लोग समय को बचत करते हैं और इंजरी से बच सकते हैं। तो इस लेसन को अब यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।